हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम ओम शांति 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 ओम सहनाववतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः श्लोक नंबर 172 स्वस्वप्नमापारोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरम् दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरम् चिन्तयेत् अप्रमत्तस्सत अनुभावनुदिनं मुहुः अनुभावम् अनुदिनं मुहुः स्वस्वप्न आपारोक्षेण दृष्ट्वा अपना ही स्वप्न आपारोक्षेण प्रत्यक्ष रूप से साक्षात प्रत्यक्ष रूप से हम वो अनुभव कर रहे हैं स्वजागरम चिंतये उसी प्रकार से स्वजागरम आपकी को जागृत अवस्था है अपनी जागृत अवस्था जो है चिंतयेत उभौ असन उभौ अनुदिनम दोनों को एक स्वप्न जागृत मात्र स्वप्न मात्र नहीं दोनों को अनुदिनम रोज रोज हमें उनका चिंतन करना पड़ेगा अप्रमत्तः किसी भी प्रकार के प्रमाद किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन कोई हमारे मन में संशय नहीं है कोई विपर्य नहीं है सावधानता पूर्वक हम जो स्वप्न देखते हैं और जिस प्रकार से स्वप्न का हम अपरोक्ष रूप से
अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से जागृत अवस्था का भी हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर ही रहे हैं। तो जब स्वप्न जगत सत्य नहीं है, स्वप्न जगत अपने काल में सत्य दिखता है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी क्या है, मिथ्या मात्र है। आप सब अनुदिनम मुहुः, रोज रोज ये करना पड़े, दैनिक रूप से हम ये चिंतन करते रहते मुहुः। आप देखो मुहु माने बार बार, अनुदिनम मुहुः। अब देखो दैनिक रूप से हम उनका चिंतन करते हैं, बार बार हम उनका पुनः पुनः हम उनका चिंतन करते हैं, और इस प्रकार से आगे कर लो, चिरंतयो सर्वसाम्यम, चिरंतयो सर्वसाम्यम, अनुसंधाय जागरे, अनुसंधाय जागरे, सत्यत्व बुद्धिं संत्यज्य, सत्वत बुद्धिं संत्यज्य, नानुरज्यति पूर्ववत, नानुरज्यति पूर्ववत। चिरं तयोः सर्वसाम्यम अनुसंधाय, चिरं दीर्घ काल पर्यंत इस प्रकार से हमें चिंतन करते रहना है। प्रत्यक्ष जगत में हम व्यवहार करते हैं, लेकिन वो व्यवहारिक सत्ता है। अब स्वप्न प्रातिभासिक सत्ता है, जगत व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन दोनों जो सत्ता है मिथ्या है, और इसलिए कहते हैं चिरम तयोः सर्वसाम्यम अनुसंधाय। और इस प्रकार से दीर्घ काल पर्यंत हम दोनों अवस्थाओं का, मिथ्यात्व का चिंतन जब हम करते हैं, जागरे सत्य बुद्धिम संत्यज्य, दोनों का एक साथ हम चिंतन करते रहते हैं, फिर जागृत अवस्था में, जागरे जागृत अवस्था में सत्य बुद्धि संत्यज्य, फिर ये सत्य बुद्धि जो है उनका संत्यज्य, उनका अच्छी तरह योग्य प्रकार से हम उनका त्याग कर देते सत्य बुद्धि का। जब तक सत्य बुद्धि है तब तक सुख दुख बुद्धि रहेगी, लेकिन सत्य बुद्धि का ही हम त्याग कर देते सत्यत्व बुद्धि। आप देखो जागृत अवस्था की सत्यता का ही हमें त्याग करना है, भले वो अनुभव में आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं, ये बोध हमें है कि ये सत्य नहीं है, और इसलिए कहते हैं एक बार ये सत्यत्व का, सत्यता की बुद्धि जो हमारी है, सत्यता का जो ज्ञान हमारा है, उनका अगर हम योग्य प्रकार से त्याग कर देते हैं, न अनुरज्यति पूर्ववत, फिर आगे पूर्ववत, पहले जिस प्रकार से हम उसमें आसक्ति करते थे उसी प्रकार से अब हम उसमें आसक्ति नहीं करेंगे। अब और इसीलिए चिरंतयो, तीन शब्द है, अनुदिन मानी दैनिक रूप से आपको ये करना पड़ेगा, मुहुः मानी की बार बार पुनः पुनः आपको करना पड़ेगा, चिरं चिर मानी की दीर्घ काल पर्यंत करना है, एक दो दिन में ये सत्यता बुद्धि नहीं जाएगी। देखो इसीलिए अगर हम स्वयं ये चिंतन नहीं कर सकते, स्वामी जी हमेशा कहते आप एक बार ये शास्त्र श्रवण करो फिर आप बैठ के चिंतन करो। अगर आप बैठ के चिंतन नहीं कर सकते हो तो ये शास्त्र श्रवण करते रहो, क्योंकि शास्त्र श्रवण आप करते रहेंगे, शास्त्र श्रवण में आपको ये बार बार पुनः पुनः आपको ये कहा जाएगा, ये जगत सत्य नहीं है, जगत सत्य क्यों नहीं है, तर्क देते हैं, तो पुनः पुनः जो श्रवण किया है उसी का ही हम पुनः श्रवण करें। तो जिस प्रकार से हम बैठ के नहीं कर सकते हैं तो पुनः पुनः श्रवण करके हम उनमें हमारी बुद्धि दृढ़ कर सकते हैं। अब सब शास्त्र श्रवण करते समय ही हमें ये मनन निधि ध्यासन हो सकता है, क्योंकि अपनी बुद्धि से अगर हम नहीं कर सकते तो फिर ये श्रवण करते रहो, भले एक घंटे का वर्ग रहता है, वही जो हमने सुना है वही हम पुनः श्रवण करें, या तो फिर उनके आधार पर अगर कोई पुस्तक निकली है, पूज्य स्वामी जी किन उपनिषद है, कठोपनिषद, आप देखो विदितात्मानंद जी के भी उपनिषद है, तो हम वो पढ़ते रहे। आप समझ, जब तक ये शास्त्र श्रवण हम करते रहते हैं, जब तक हम ये अपने आप से चिंतन करते रहेंगे, तब तक
ये सत्यता बुद्धि जो है वो निवृत्त हो जाएगी, लेकिन करना पड़ेगा। देखो इसलिए कहते हैं कि शास्त्र श्रवण से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, लेकिन ज्ञान की जो दृढ़ता है, निष्ठा जो है, बहुत सारे लोग वेदांत सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद ये जो चिंतन मनन करना है, अब बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते हैं तो पुनः पुनः श्रवण करते रहो। अब सब श्रवण भी एक प्रकार से आपके लिए वो चिंतन का ही काम करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो सतत स्वामी जी के प्रवचन सुनते रहते हैं, केनो उपनिषद सुन लिया, मुंडक उपनिषद, वो सुनते रहते हैं। स्वामी जी के एक अमेरिकन शिष्य है, वो क्या करते हैं, स्वामी जी के प्रवचन सुनते हैं, सुनने के बाद उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, जो जो स्वामी जी बोल रहे हैं उसी को वो कंप्यूटर पर टाइप करते हैं। अब टाइप करने में भी क्या करना पड़ेगा, जो स्वामी जी के बोलने की जो गति है उतने उतने गति से हम लिख नहीं सकते हैं, तो उनको बार बार सुनना पड़ता है, तो पुनः पुनः श्रवण करके वो पूरा पुस्तक निकालता है। अब अपने लिए करते हैं, उनको कोई पुस्तक प्रकाशित करना ऐसा नहीं है, पूरा स्वामी जी का मांडुक्य उपनिषद जो है वो पूरा उन्होंने ट्रांसक्राइब किया। तो किसी भी प्रकार से अब शास्त्र चिंतन करते हो, अब अपने आप नहीं कर सकते हो तो ट्रांसक्राइब करो, तो उस प्रकार से भी आपकी बुद्धि जो है वो चिंतन करती रहेगी। सत्यता की बुद्धि जो है, सत्यत्व बुद्धि है, उनका त्याग हमें करना है, क्योंकि ये जगत में हम जो व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार से तो हम ये जगत सत्य मान के चल रहे हैं, तो प्रारब्ध कर्म से हम ये जगत का अनुभव कर रहे हैं, तो प्रारब्ध कर्म से भले ही अनुभव हो रहा है लेकिन ये सत्य नहीं है। और इसलिए कहते हैं चिरंतयो हो, दोनों का दीर्घ काल पर्यंत अगर हम चिंतन करते रहते हैं तो उसमें जो सत्यत्व बुद्धि है उनकी निवृत्ति हो जाती है। और फिर भोग करते हुए भी भुंजानः अपि, देखो ये मुख्य दृष्टांत वहां पर है, भुंजानः अपि प्रारब्ध कर्म का भोग करते हुए भी, पूर्ववत माने कि प्रारब्ध कर्म में पहले सत्य बुद्धि करके हम चलते थे, अब न अनुरज्यते, अब उनमें आसक्ति नहीं होगी। जब सत्य बुद्धि नहीं रहती है तो मन में ये निश्चय हो जाता है कि ये मुझे कभी सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। मिथ्या मानी हम देखते हैं लेकिन अगर ढूंढने जाते हैं, खोजने जाते हैं तो मिलता नहीं है। आप समझो, जब हम अन्वेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो है ही नहीं। और इसीलिए अगर अपने आप बैठ के आप नहीं कर सकते हो तो शास्त्र श्रवण करते रहो, धीरे धीरे आपके मन में भी उनके ऐसे संस्कार बनेंगे। देखो इसलिए जो शंकरानंद महाराज जो है वो हमेशा कहते आप शास्त्र वासना बना दी, जिस प्रकार से विषय वासना हमारे मन में है, संसार की वासना हमारे मन में है, आप जो सुरक्षा की, ये संसार में सुरक्षा देखने की हमारे मन में एक वासना बन गई है, इनके बिना मैं क्या करूंगा। अब देखो तो जिस प्रकार से ये संसार में हमें सुख की वासना है, सुरक्षा की वासना है, भोग की वासना हमारे अंदर पड़ी हुई है, उसी प्रकार से हम शास्त्र वासना बना के दे करते रहो शास्त्र श्रवण। प्रातः काल शास्त्र श्रवण करो, मैंने देखे अमेरिका में इतने सारे स्वामी जी के शिष्य हैं, वो बड़े बड़े कॉलेज में, हॉस्पिटल में उनकी नौकरी थी, डॉक्टर थे, हॉस्पिटल में काम करते थे। अब लेकिन बिल्कुल नियम से प्रातः काल उठ के एक प्रवचन सुनना ही है, रात को भी एक प्रवचन सुनना ही है, आप समझो, तो शास्त्र श्रवण करते रहो। आप समय मिल जाता है तो स्वामी जी की जो पुस्तक है तो वो पढ़ो आप। लेकिन हमारी गलती ये है कि शास्त्र श्रवण करते हैं फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप देखो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ के उनमें इतना प्रभावित हो जाते हैं, ये इतना सारा पानी आ गया, इतनी ठीक है,
आपको उतना उत्साहित होना या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र श्रवण करते हो, इसीलिए शंकरानंद महाराज कहते हैं कि आप अगर संसारी है, गृहस्थ है, तो फिर शास्त्र श्रवण की वासना बनाइए। आप सब वासना का अर्थ ये होता है कि अगर वो नहीं करते हैं तो हमारे मन में खालीपन लगता है, अभाव की अनुभूति होती है। जब के वासना बनाइए, निरंतर एक मास तक अगर हम एक समय पर एक स्थान पर जप करेंगे तो हमारे मन में उनकी वासना बन जाएगी। जैसे ही समय होगा आपको वो कहेंगे, मन ही कहेंगे चलो जप का समय हो गया, जप करना है अब। लेकिन हमारे प्रमाद हुई, हम अप्रमत्त, आगे आगे के श्लोक में अब, पिछले श्लोक में कहा अप्रमत्त है, कोई प्रमाद नहीं करना है, करते रहो। चिरं चिरंतर माने क्या है, निरंतर हमें ये करना पड़ेगा। तो ये न केन प्रकार है, जिस प्रकार से भी हो सकता है आप शास्त्र श्रवण करते रहो, शास्त्र चिंतन करते रहो। अपने आप चिंतन नहीं करते तो शास्त्र श्रवण के द्वारा आप आत्म चिंतन करते रहो। अब सुन देखो, इसलिए आगे हम सब देख के गए कि एक घंटा हम ये शास्त्र श्रवण करते हैं, लेकिन बाकी के 23 घंटे हमारे कैसे हम व्यतीत करते हैं उनका भी उनमें असर है। आप समझ रहे, इसलिए भगवान पूरे दिन का हमें एक मार्गदर्शन करते हैं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सुयुक्त स्वप्नावबोध से, अब आपका आहार कैसा, आपका विहार कैसा, आपकी वाणी कैसी, आपकी चेष्टा कैसी है, अब कितने सोते हो, स्वप्न जागरण नहीं, प्रमाण सर नहीं होता है। योग्य प्रमाण में अगर नहीं होते हैं तो फिर देखो, अगर वो प्रमाण सर है, योगो भवति दुखः, तो ये आपके दुख का, आपका शोक की वो निवृत्ति करे। और इसीलिए किसी भी प्रकार से आप समझो, चिरण शब्द करके यहां कहते हैं, तीन शब्द है, अनुदिनम मानी दैनिक करना है, मुहु मुहु मानी कि एक ही दिन में आप पुनः पुनः वो करो, और चिरण मानी कि दीर्घ काल पर्यंत करो। समझ गए, उपाय हमें ये दर्शाते हैं यहां पर, दैनिक करना है, दिन में भी हमें पुनः पुनः करना है, और चीर काल तक मानी कि दीर्घ काल पर्यंत हमें करना है। देखो ध्यान में भी हम देख के गए कि जब तक ये करेंगे नहीं हम, अब तो माने कि हमारी अग्रिमता जो है ना, प्रायोरिटी, शास्त्र श्रवण हमारी प्रायोरिटी बननी चाहिए, अग्रिमता हमारे जीवन की प्राथमिकता उसमें आनी चाहिए। जितनी अग्रिमता हम उसमें देंगे, क्योंकि वो जो है वो तो आप ही, हमारा श्री हमेशा केंद्र, जो बात हो रही है तो आपकी बात हो रही है, आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, और आपको समझना है कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। अब समझ, और इसलिए कहते हैं कि चीर कांत अगर हम ये कहते करते रहेंगे तो क्या होगा, आगे देख के गए, दोष दर्शन है, क्यों, भोग पहले तो वो क्षणिक है, आगे देख के कि भोग के पहले भी हमें चिंता होती है, भोग के काल में भी हमें चिंता होती है, भोग के समाप्ति के बाद भी हमें विनाशी है वो, तो भोग हमें कभी भी संतोष सही में नहीं देता है। पहले भी हमें धन आने के पहले भी चिंता होती है, धन आने के बाद भी चिंता है, धन जाता है तो भी चिंता ही है। तो ये क्षणिक जो है, अनित्य है, क्षणिक है, विनाशी है, ये सब दोष दर्शन करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम चिंतन करते रहेंगे तो जागृत अवस्था में जो सत्य बुद्धि है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है, और एक बार सत्यता की बुद्धि जो है, सत्यता बुद्धि जो है उनकी अगर निवृत्ति हो गई, न अनुरज्यते पुनर्पूर्ववत,
पहले जब हम उनमें आसक्ति कर देते थे, उसी प्रकार की आसक्ति हमारे मन में ये जगत के प्रत्यय, जागृत अवस्था के प्रत्यय और जागृत अवस्था के जितने भी भोग है, देखो ये याद रखना है, भोग मानी मैंने आपको कह दिया है, धन है, गृह है, संसार है, संबंध है, सत्ता है, ये सब भोग ही है। जिसमें हम सुख बुद्धि करते वो सब भोग है, आप समझ, जिसको प्राप्त करके हमारे मन में एक संतोष की भावना होती है, आनंद की भावना होती है, सत्ता प्राप्त करते भी हमें एक आनंद की अनुभूति करते हैं। तो संपत्ति है, सत्ता है, ये सब जो है भोग है ये, और ये सब अनित्य है, परिवर्तनशील। हम देखेंगे सतत वो परिवर्तनशील है, वही का वही रहता ही नहीं, और इसीलिए उसमें सुख की सुरक्षा हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से एक बार सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई, फिर पहले जैसे हम उनमें आसक्ति करते थे उस प्रकार की आसक्ति ये जागृत अवस्था में हमें नहीं रहती है। आगे तो बोले कि अगर ये जो जगत है, ये जागृत अवस्था है, इस स्वप्न अवस्था में अगर एक बार मिथ्या बुद्धि हो गई, सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई, मिथ्या बुद्धि अगर हो गई ज्ञानी के लिए, तो फिर ज्ञानी भोग की सिद्धि कैसे करे? उनके प्रारब्ध कर्म में भोग है तो वो भोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए कहते हैं आगे, इंद्रजालमिदं द्वैतम्, इंद्रजालमिदं द्वैतम् अचिन्त्यरचनात्वतः, अचिन्त्यरचनात्वतः इत्यविस्मरतो हानिः, इत्यविस्मरतो हानिः कावा प्रारब्धभोगतः, कावा प्रारब्धभोगतः। आगे स्वप्न इंद्रजाल सदृशं, दो दृष्टांत दिए ना, एक स्वप्न का दृष्टांत दिया, दूसरा इंद्रजाल का दृष्टांत। तो स्वप्न का दृष्टांत देके कहते हैं, जिस प्रकार के स्वप्न का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी वो मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत का जो अनुभव प्रत्यक्ष है वो भी मिथ्या है। इस प्रकार से स्वप्न जगत के दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया कि जागृत अवस्था भी मिथ्या है। अब इंद्रजाल का जो दृष्टांत है ना, उनका यहाँ विवरण करते हैं, इंद्रजालमिदं द्वैतम्। ये जो द्वैत का अनुभव हम कर रहे हैं ये जगत में, अब स्वप्न जगत का जो दृष्टांत है वो आपके व्यक्तिगत अनुभव के लिए है। अब दो बात है, विपरीत बुद्धि दो प्रकार की है, एक तो देहादि में हम सत्य बुद्धि करके बैठे हैं, उसी प्रकार से ये जगत में भी हम सत्य बुद्धि करके बैठे हैं। तो देहादि में आत्मबुद्धि सत्य बुद्धि करके बैठे हैं, तो स्वप्न का दृष्टांत लेके हम उसे मिथ्या है ऐसा हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो जगत है जिसमें हम सत्य बुद्धि करके बैठे, तो कहते हैं कि ये जगत का जो हम अनुभव कर रहे हैं वो जगत कैसा है, इंद्रजालमिदं द्वैतम्। ये जो द्वैत का हम ये जगत का अनुभव कर रहे हैं वो जो है वो क्या है, इंद्रजालमिदम्। ये तो इंद्रजाल जादूगरी है, आप देखो द्वैत जो है ये जगत का जो द्वैत हम देख रहे हैं, अचिंत्य रचनात्वतः, इतना ही नहीं उनकी रचना जो है अचिंत्य रचना है, तो अचिंत्य रचना जो है जिसके कारण हमारी बुद्धि इतनी प्रभावित हो जाती है। कहीं पर भी अगर आप व्यवस्था देखते हैं, जब व्यवस्था संवादिता हम देखते हैं, ऑर्डर जिसको कहते हैं, हार्मनी जिसको हम कहते हैं, तो वहां हमारी सत्य बुद्धि हो जाती है, हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है। आजकल जो ये लोग संप्रदाय बना के बैठे हैं और संप्रदाय बनाकर उसमें लोगों को जो प्रभावित करते हैं वो क्या करते हैं, स्वामी जी 100,000 लोग आए थे, अच्छा है 100,000 लोग सत्संग करते हैं, अच्छी बात है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन 100,000 लोग जो है वो आपको प्रभावित करते हैं या वक्ता का जो वक्तव्य वो आपको प्रभावित करता है, बात यह है।
वो क्या कहते हैं, वो महत्व का है, आप समझो। कितने लोग आए उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, आप समझो। लेकिन वक्तव्य क्या है उनका, विषय क्या है, जो हमारे जीवन का कल्याणकारी है। 1,00,000 लोग हमारे जीवन का कल्याणकारी नहीं है, अब सब। तो भगवान की ये जो रचना है अचिंत्य रचना, हम उसका चिंतन माने कि हम उसे पूरी तरह योग्य प्रकार से हम उसको समझ भी नहीं सकते हैं, आप समझ। आप लोग समझते हैं कि हम तो सब समझते हैं। एक पुष्प को स्वामी जी हमेशा कहते हैं, एक वस्तु आप ये जगत की ले लो और आप उनको समझने का प्रयत्न करेंगे, उनका ज्ञान प्राप्त करना प्रयत्न करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ज्ञान की, आपकी शक्ति की कितनी मर्यादा है। आप कितना भी ज्ञान प्राप्त करो, श्री स्वामी जी की व्याख्या है ज्ञान की, मनुष्य के जो ज्ञान है, ह्यूमन नॉलेज जिसको हम कहते हैं, उनकी मर्यादा है। इसलिए स्वामी जी बुक हमेशा कहते थे, ह्यूमन नॉलेज इज वन अप टू वन मोर क्वेश्चन। आप किसी भी एक विषय पर आ जाओ, अगर जो आपके सामने बैठे हुए व्यक्ति है वो जिस विषय में उनकी विशेषता है, जिस विषय में उसकी कुशलता है, उसी विषय के बारे में आप उनको प्रश्न पूछिए। पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, चौथे पांचवे छठे, अब देखो वन मोर क्वेश्चन। एक पांचवा या छठा प्रश्न आपका आएगा, उनके मुख से निकल जाएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इसके बारे में मुझे कुछ निश्चित नहीं है, हो सकता है लेकिन मुझे वो कोई आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है। अब तो ये ईश्वर की रचना ऐसी अचिंत्य है। एक पुष्प को ले लो, आपका एक हृदय ले लो, आपका एक मस्तिष्क ले लो, आपका एक लीवर यकृत ले लो, आप भगवान की जो ये रचना है, सर्वज्ञ परमात्मा की रचना है, अचिंत्य रचना है, आप समझ। लेकिन ये जो अचिंत्य रचना है वो कैसे, इंद्रजालमिदं द्वैतम, वो इंद्रजाल के समान है, सत्य नहीं है। जिस प्रकार से हम चलचित्र देखते हैं, तो चलचित्र तो श्वेत पर्दा है, वो आवरण, उसी के ऊपर ये प्रकाश जो है, आप देखो पूरा जो सिनेमा जो है, चलचित्र जो है, वो प्रकाश का खेल मात्र है। आप देखो न वहां अश्व है, न वहां मार्ग है, न पानी है, न अग्नि है, कुछ भी नहीं, जल भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, आप समझ। तो जिस प्रकार से वो हम सब देखते हैं लेकिन उनको सत्य नहीं मानते, उसी प्रकार से ये भगवान की अचिंत्य रचना है लेकिन उनमें सत्य बुद्धि नहीं करना है। इति अविस्मरत है, हानि ही का वा। आप देखो भले हम अचिंत्य रचना देखते रहे, उससे हमें आनंद लेते रहे, लेकिन अविस्मरत है, आप देखो उसको हमें भूलना नहीं है। आप देखो का हानि, आप देखो उसमें क्या हानि होगी, आपको क्या नुकसान होगा, कुछ हानि नहीं होने वाली, जो आप उसका आनंद लेते रहो। कावा प्रारब्ध भोगत है, न तो ये इंद्रजाल समान जो अचिंत्य रचना भगवान की है वो आपको प्रभावित कर सकती है, न तो प्रारब्ध भोगत है कावा हानि ही। अब देखो वह या तो फिर ये प्रारब्ध भोग जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उससे भी हमें क्या हानि होने वाली है, अब समझो। एक बार मिथ्या बुद्धि हो गई, अविस्मरत, अविस्मरत माने की वापस पुनः वहां सत्य बुद्धि होने वाली नहीं है, आप समझो। एक बार मिथ्या बुद्धि हो गई फिर वो विस्मरण उनका नहीं होने वाला, अविस्मरता,
कभी भी उनका विस्मरण नहीं होगा कि अचिंत्य रचना है, लेकिन वो सत्य नहीं है, इंद्रजाल समान है। उसी प्रकार से प्रारब्ध से हमें जो भोग प्राप्त हो रहे हैं वो भी क्या सत्य है, नहीं है। तो यह मुख्य क्या है, अविस्मरता। मिथ्या बुद्धि की विस्मृति हमें नहीं होती है, आप समझे। ये जगत जो है, जगत में भी सत्य बुद्धि नहीं होगी, प्रारब्ध भोग में भी हमें कभी सत्य बुद्धि होती ही नहीं है। और इस प्रकार से जब एक बार सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है, सत्य बुद्धि का त्याग हो जाता है, फिर प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो भी हमें प्राप्त होता है वो सुख भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, आप समझ। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो किसके है, आपके नहीं है, आपकी उपाधि के प्रारब्ध कर्म है, आप समझो ये ठीक से। जो प्रारब्ध कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म तो ये शरीर के लिए है, व्याधि हुई है तो शरीर को व्याधि हो जाएगी, उद्वेग हो जाएगा तो मन में उद्वेग होगा, आप देख। इसलिए भगवान गुणातीत के लक्षण क्या दर्शाते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। आपके मन में किसी भी प्रकार की वृत्ति होती है, सात्विक वृत्ति है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, राजसिक वृत्ति है मोहमेव च, तामसिक वृत्ति भी मन में आ सकती है। प्रारब्ध कर्म के अनुरूप आपके मन में किसी भी प्रकार की वृत्ति हो सकती है, लेकिन मन में उसके प्रति जो है वो किसी भी प्रकार के सत्य बुद्धि नहीं है। और इसीलिए न द्वेष्टि संप्रवृत्त, इस प्रकार की सात्विक वृत्ति जो प्रवृत्त होती है उनके लिए मन में कोई द्वेष नहीं है। निवृत्तानि च न कांक्षति, उनकी निवृत्ति की भी उनको इच्छा नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रारब्ध से हो रहा है। प्रारब्ध से मन में उद्वेग भी हो सकता है, प्रारब्ध से मन में दुख भी होता है, प्रारब्ध से मन में मोह माने के तामसिकता भी आ सकती है, आप समझ। तो जो सुख दुख जिसको हम कहते हैं, मोह जिसको हम कहते हैं, वो मन की अवस्था है, आप समझो। प्रारब्ध से ये उपाधि में सब होने वाला है। प्रारब्ध से उपाधि में अगर कोई रोग भी हो गया, स्वामी चिन्मयानंद जी को जब हार्ट अटैक आया, आप समझो, तो बहुत लोग चिंतित हो गए। उस वक्त तो ये एंजियोग्राफी कुछ था ही नहीं, तो स्वामी जी के लिए सब लोग चिंता करते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति गए स्वामी जी के जो शिष्य थे, स्वामी जी हार्ट अटैक आ गया, आप क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। स्वामी जी ने कहा, हृदय है तो हार्ट अटैक आना भी है, आप समझो। तो जो हो रहा है प्रारब्ध से, जो हो रहा है वो उपाधि पर हो रहा है, आप समझो ठीक से। और इसीलिए हमारी दृष्टि कहां पर है, प्रारब्ध कर्म के क्षय में नहीं है, दुख के नाश में नहीं है, उनकी सत्यता जो है उनकी निवृत्ति करनी है हमें। अब सत्यता की निवृत्ति हमें करनी है, उनका बाध करना है हमें। एक बार वो बाधित हो गया, फिर जितना भी वो दिखता रहे हमें क्या है। एक बार हम रण प्रदेश में गए और एक बार हमने देख लिया कि वो जो जल हम दर्शन हो रहा है वो जल नहीं है, मृग जल है, तो माने कि वो जल नहीं, वो बाधित है, माने उनमें सत्यता बुद्धि नहीं है। बाधित होना माने कि सत्यता बुद्धि जो है उनकी निवृत्ति करना है। अब तो हमारा आग्रह कहां पर है, आप समझो। जगत की निवृत्ति करना हमारा आग्रह नहीं है, मन को रोक देना हमारा आग्रह नहीं है। हमारी अग्रिमता जो है वो सत्य बुद्धि की निवृत्ति है। एक बार सत्य बुद्धि की, ब्रह्म विद्या के द्वारा सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाए वो महत्व का है, फिर जो भी प्रारब्ध है वो होता रहेगा। उपाधि की दृष्टि से बहुत कुछ होता है, आप समझो, मन की दृष्टि से भी बहुत कुछ हो सकता है और ये जगत की दृष्टि से भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनमें सत्य बुद्धि है ही नहीं। जिस प्रकार से इंद्रजाल में, जादूगरी में हमारी सत्य बुद्धि नहीं होती है,
फिर भी हम उसको भोगते, हम आनंद लेते हैं। उसी प्रकार से ये जगत में जो हो रहा है अब सब, तो हमारी दृष्टि कहाँ है? जगत मिथ्या है ऐसा नहीं, मिथ्यात्व का जो निश्चय है अब सब, वो निश्चय क्यों आया? ब्रह्म विद्या जगत ब्रह्म सत, अब देख सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है वो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो हमारी दृष्टि कहां रहनी चाहिए? और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं निर्बंधस्तत्व विद्यायाः, निर्बंधस्तत्व विद्यायाः इंद्रजालत्व संस्मृतौ, इंद्रजालत्व संस्मृतौ प्रारब्धस्याग्रहो भोगे, प्रारब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुख दुःखयोः, जीवस्य सुख दुःखयोः। निर्बंधः तत्व विद्यायाः, इंद्रजालत संस्मृतौ, निर्बंध, निर्बंध माने दृढ़ता, आग्रह कहते हैं। दृढ़ता कहां पर है? तत्व विद्यायाः, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये जो तत्व विद्या है वहां पर हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। निर्बंध किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, विघ्न नहीं है। हमारी ब्रह्म विद्या माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये ज्ञान में दृढ़ता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से वो बाधित नहीं है, आप समझे। तो हमारी दृष्टि, हमारा आग्रह जो है वो तत्व विद्या पर है। आप देखो रज्जु सर्प का दृष्टांत भी वही है, रस्सी का ज्ञान है वो महत्व का है, रस्सी का ज्ञान प्राप्त करना वो हमारे लिए महत्व का है। उसी प्रकार से तत्व विद्यायाः, और उसी प्रकार से इंद्रजालत्व संस्मृतौ, संस्मृत हमें स्मरण रखना है कि ये जगत इंद्रजाल समान है। तत्व विद्या जो है वो तत्व विद्या में हमारा आग्रह रहना चाहिए, दृढ़ता रहनी चाहिए, और ये जगत जो है वो इंद्रजाल समान है, वो हमारे स्मृति में रहना चाहिए। फिर क्या है? प्रारब्धस्य आग्रह भोगः, आप अग्रह, अग्रह माने उनके निवृत्ति के कोई आग्रह, प्रारब्ध भोग के प्रति हमें निवृत्ति का कोई आग्रह है ही नहीं, उनके प्रति हमें कोई आग्रह नहीं, प्रारब्ध कर्म जैसा भी है वैसा है, आप समझो। प्रारब्धस्य अग्रह भोगे, वो हमें नहीं ग्रहण होते, अग्रह उनका नाश करना या उनका ग्रहण नहीं करना, उनमें हमें कोई निर्बंध कोई आग्रह नहीं है, आप समझो। जो भी है जीवस्य सुख दुखयो हो, या तो फिर जीव को जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है उसमें भी हमें कोई आग्रह नहीं है, आप समझो, जो वो जैसा है वैसा है। देखो इसलिए मैं कहती हूं अगर आपको सही में तत्व बोध प्राप्त करना है तो किसी का जीवन चरित्र आप मत पढ़ो, आप समझो, क्योंकि उनका प्रारब्ध अलग है, आपका प्रारब्ध अलग है, स्वामी जी का प्रारब्ध स्वामी जी का प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध आपका प्रारब्ध है। तो आप किसी के प्रारब्ध को पढ़ के क्या आपको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा? नहीं होगा, आप समझ। अगर सही में आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी का भी जीवन चरित्र मत पढ़ो। अच्छा है बच्चों के लिए, अच्छा है क्योंकि उनके जीवन में प्रेरणा मिलती है उनको, लेकिन हम जब ये जगत की उपाधि के मिथ्यात्व की बात करते हैं और वो जो वहां पर जो जीवन चरित्र है वो जीवन चरित्र तो उनका प्रारब्ध है, उनकी उपाधि है। विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़ो, लेकिन उनकी उपाधि, उनकी उपाधि है, उनको इतनी श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई थी प्रारब्ध से कि वो एक बार जो पढ़ते थे पूरा स्मरण हो जाता था।
एक एक पन्ने का नंबर संख्या, एक एक जो पंक्ति थी वो पंक्ति की संख्या भी उनको स्मरण में रहती थी। तो वो उनकी विशेषता, उपाधि की विशेषता है। और वो हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ के क्या करेंगे? नहीं, ऐसी बुद्धि तो मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं, ठीक है। अगर आपको उनके प्रकार एक बार पढ़ने से नहीं है तो पुनः पुनः आप शास्त्र श्रवण करते रहो। प्रारंभ में जब हम ये अध्यात्म में आते हैं तो ये जीवन चरित्र पढ़ते ठीक है, लेकिन एक बार शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन करना है, तो ये जीवन चरित्र हमारे लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि वो जितनी भी वर्णन मिलेगा आपको, जितना जीवन चरित्र आप देखते हैं, वो उनकी उपाधि है। आप वहां तत्वों की तो कोई चर्चा है नहीं, जो भी चर्चा होगी वो उपाधि की चर्चा है वहां पर। आप समझो, हमें तत्व का चिंतन करना है, हमें उपाधि का चिंतन नहीं करना है। स्वामी जी को भी जब आप समझो, स्वामी जी बिल्कुल विरुद्ध थे। षष्ठी पूर्ति का स्वामी जी को 1990 में जब स्वामी जी का 60 साल का हुआ तो स्वामी जी पर इतना दबाव डाला गया, नहीं नहीं स्वामी जी आपकी बायोग्राफी हमें लिखना ही है, आपका जीवन चरित्र लिखना ही है। तो स्वामी जी ने कहा मेरे पास कोई समय नहीं है, मैं तो कहीं कहीं पर मुझे प्रवचन के लिए जाना होता है, तो ऐसे बैठ के लिखना या करना मेरे पास नहीं है संभव। लेकिन वो पद्मामा पीछे पड़ गए, बोले नहीं कुछ बात नहीं स्वामी जी, आप जहां भी जाएंगे वहां मैं होटल बुक करवा के आ जाऊंगी और आपके साथ में रहूंगी और आप मुझे कहते रहे। बिल्कुल स्वामी जी को पसंद नहीं था, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि मेरा प्रारंभ तो मेरा, मेरे माता पिता कैसे थे, मेरा घर कैसा था, मेरा बाल्य अवस्था कैसी थी, वो मेरा प्रारब्ध है, आप उससे क्या सीखने वाले, आप उसको उसके द्वारा क्या आपको उपदेश देने वाले। आप समझो, आपको शास्त्र श्रवण करना है, मेरे चरित्र का चिंतन नहीं करना है आपको, मैं जो कहता हूं वो आप सुनो। स्वामी जी हमेशा कहते यू लिसन टू मी, डोंट लुक एट मी, मैं जो कहता हूं, मैं जो उपदेश कर रहा हूं उन पर आप चिंतन करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्वामी जी जिस प्रकार से चलते थे उसी प्रकार से वो चलते थे। अब आप स्वामी जी के उपाधि का अनुकरण करेंगे उससे कुछ नहीं होगा, आप समझो, क्योंकि वो प्रारब्ध है। और इसलिए कहते हैं प्रारब्ध भोग का नाश करना या जीव में जो सुख दुख की प्राप्ति हो रही है वो प्रारब्ध से जो हो रहा है उनमें आग्रह हमारा नहीं है। हमारा आग्रह कहां पर है? निर्बंध है तत्व विद्या, चिंतन हमें तत्व विद्या का करना है, तत्व चिंतन हमें करना है। आगे देखिए तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुः। बच्चों के लिए, युवान के लिए ये जीवन चरित्र आवश्यक है, क्योंकि उनको जीवन में प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, जिसको तत्व चिंतन करना है, उसे ये सब छोड़ देना है, क्योंकि प्रारब्ध का आग्रह हमें है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं हमें न तो प्रारब्ध के लिए कोई आग्रह है, न जीव के जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं उनके प्रति भी उनको कोई आग्रह नहीं है। जो भी हो रहा है उसको आप स्वीकार कर लो। और इसलिए कहते हैं निर्बंध तत्व विद्यायाः निद्रजाल इंद्रजालत्व संस्मृतौ। ये दो महत्व का है हमारे, दृढ़ तत्व ज्ञान और ये जगत जो है वो इंद्रजाल समान मिथ्या है। बस दो ही हमारे लिए महत्व का है, बाकी जो कुछ है वो सब प्रारब्ध है। शुकदेव जी का प्रारब्ध अलग था, कृष्ण भगवान का प्रारब्ध अलग था, श्री राम का प्रारब्ध अलग था, वशिष्ठ जी का प्रारब्ध अलग था, जनक जी का प्रारब्ध अलग था, याज्ञवल्क्य का प्रारब्ध अलग था।
अब और इसीलिए कहते हैं कि हमारा आग्रह जो है हमारे लिए मुख्य आग्रह माने कि हमारे लिए मुख्य जो है वो तत्व विद्या है, और ये जगत जो है जगत में जो सत्य बुद्धि है वो सत्य बुद्धि की निवृत्ति करना ये हमारा मुख्य विषय होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म तो भिन्न भिन्न होंगे, उनमें हमें कोई चिंता नहीं है। और इसलिए आगे कहते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म हमारे लिए, या प्रारब्ध कर्म से जो सुख दुख जीव को प्राप्त होता है, या प्रारब्ध कर्म से जो भी उपलब्ध हो रहा है और उनका नाश करना वो हमारा किसी भी प्रकार से आग्रह नहीं है, वो हमारे लिए महत्व का नहीं है। तो आगे का श्लोक कहते हैं, विद्यारब्धे विरुध्येते, विद्यारब्धे विरुध्येते न भिन्न विषयत्वतः, न भिन्न विषयत्वतः जानद्भिर्प्यैन्द्रजाल विनोदो दृश्यते खलु, जानद्भिर्प्यैन्द्रजाल विनोदो दृश्यते खलु। विद्यारब्धे विरुध्येते न भिन्न विषयत्वतः, तो बहुत सुंदर तर्क दे रहे कि आपकी जो ब्रह्म विद्या है, विद्या मानी ब्रह्म विद्या, आरब्ध मानी प्रारब्ध, आपका प्रारब्ध कर्म, अब ब्रह्म विद्या और आरब्ध मानी आपका प्रारब्ध कर्म जो है, ये दो है, इसलिए द्विवचन है विद्यारब्धे, तो फिर क्रियापद भी द्विवचन में आएगा विरुध्येते न, ब्रह्म विद्या और प्रारब्ध कर्म जो है उनमें कोई विरोध नहीं है, आप समझो, क्यों भिन्न विषयत्वतः, क्योंकि दोनों को जो विषय जो है परस्पर विरुद्ध है, ब्रह्म विद्या जो है अलग है और इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है, वो दोनों अलग है, दो समान होता है उसमें विरोध हो सकता है, ब्रह्म विद्या है वो सत्य चिंतन है और प्रारब्ध कर्म जो मिथ्या है, आप देखो तो परस्पर वो दोनों जो है भिन्न विषय, तो दोनों दोनों का विषय ही अलग है। अगर कोई आके पूछे आपको भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र का अब दोनों में समानता नहीं, दोनों अलग है, दोनों का विषय भिन्न विषय, तो आप देख भौतिक शास्त्र का विषय अलग है, रसायन शास्त्र का विषय अलग है, तो फिर उनमें कोई विरोध नहीं, न विरुद्ध, जब विषय ही भिन्न है तो वो परस्पर विरोधी नहीं हो सकते हैं, भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र क्या एक दूसरे के विरोधी है, नहीं है, क्योंकि दोनों का विषय अलग है, जीव शास्त्र है रसायन शास्त्र है, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या एक विषय है और प्रारब्ध कर्म अलग है, वो दोनों को समान नहीं देखना, वो विरोध, लेकिन वो दोनों का विषय भिन्न है और उसमें गड़बड़ नहीं करनी, ब्रह्म विद्या है, प्रारब्ध कर्म है, अब देखो इसलिए वो दोनों में कोई विरोध नहीं है, अब सब भले प्रारब्ध कर्म होता रहे, प्रारब्ध कर्म से भोग भी प्राप्त होता रहे, कितने भी भोग आपको प्राप्त करते रहो, उसे ब्रह्म विद्या का कोई विरोध नहीं है, क्यों जानत भी अब अपि ऐन्द्रजाल विनोद दृश्यते खलु, जिस प्रकार से ऐन्द्रजाल विनोद, इंद्रजाल को देख के दृश्य देख के हमें जो विनोद होता है, आनंद प्राप्त होता है, चलचित्र को देख के हम, सिनेमा को देख के हमें आनंद होता है, लेकिन वो आनंद के कारण वो सत्य बन जाएगा नहीं, ऐन्द्रजाल का क्यों जानत भी ही, जो जानते हैं, जानत भी माने की जो जानने वाले हैं, उनके द्वारा जब इंद्रजाल का विनोद प्राप्त होता है तो उसमें वो सत्य बुद्धि नहीं कर देंगे, अब वो विनोद करते हैं, उसी प्रकार से जिसने ब्रह्म को सत्य मान लिया है, जान लिया है मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, फिर प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जितने भी विनोद होते रहे, जितने भी दुख प्राप्त होते रहे, उनमें सत्य बुद्धि नहीं होती है, आप समझो, जिस प्रकार से जो जानता है उनके लिए इंद्रजाल, देखो इसलिए छोटे बालक जो होते हैं ना, अगर कोई बालक पहली बार समुद्र किनारे जाए और उनको
सूर्यास्त देखने को मिले तो उसको क्या लगेगा, वो माँ को क्या कहेगा, माँ माँ देखो देखो वो सूर्य जो है ना वो पानी में जल में डूब रहा है। जानत भी ही, माता जानती है कि ये जो सूर्य जो है वो जल में डूबता नहीं है, लेकिन देखता तो दिखता तो वैसा ही है। अब उसी प्रकार जो पानी में डूबता हुआ दिख रहा है फिर भी जब जानते हैं कि सही में सूर्यास्त नहीं होता है, अब तो जब वो ज्ञान है सूर्यास्त नहीं होता है तो वो सुखी दुखी नहीं होंगे, लेकिन वो सूर्यास्त को विनोद है, आप समझो, यू कैन एंजॉय द सनराइज। सूर्यास्त को देख के हमें आनंद होता है, क्यों, क्योंकि अनेक प्रकार के रंग रहते हैं। फिर वो जो सूर्य जो है जो अस्त सूर्य होता है वो केसरी रंग का हो जाता है, और वो केसरी रंग का जो प्रकाश है वो पानी में भी केसरी रंग का दिखता है, वो पानी भी केसरी रंग का दिखेगा, आकाश भी केसरी रंग, बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। तो वो दृश्य देख के हमें आनंद होता है, लेकिन आनंद हुआ इसका अर्थ ये नहीं होगा कि उनको हमने सत्य मान लिया, समझ रहे हो, मिथ्यत्व बुद्धि है सूर्यास्त में फिर भी हम उसको आनंद ले सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्यास्त में हम आनंद ले सकते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से हम जादूगर को मिथ्या जानते हुए भी हम उसमें आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से जिसने तत्व बोध प्राप्त कर लिया है उसको जितना भी प्रारब्ध कर्म प्राप्त हो जाए लेकिन वो मिथ्यात्व बुद्धि होती है, और इसीलिए विनोद दृश्यते खलो, अब उसको आनंद मिलता है, ठीक है, सुख दुख प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें सत्य बुद्धि नहीं होती है। आप देखो, इसलिए आग्रह कहां पर रहना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान पर हमारा आग्रह रहना चाहिए, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। देखो इसलिए जो वाक्य का हम विश्लेषण करो, वाक्य भी क्या है, आत्मानम चेत विजानीयात, अब देखो केंद्र में क्या है, आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः, अब जिसने अपनी ब्रह्म का पूर्णता को जान लिया है, चेत यदि आत्मा को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जान लिया है तो केंद्र में तो यह है कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो। आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः, वो व्यक्ति के इस प्रकार से प्रारब्ध का विरोध करेगा, नहीं करेगा। बहुत सुंदर वाक्य है, आप देखो एक वाक्य है एक मंत्र है लेकिन मंत्र में कितने अर्थ है हम समझ सकते हैं। 170 श्लोक तक हम देख के गए कि कितने कितने अर्थ है ये वाक्य में, ये मंत्र में, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि हमारा आग्रह जो है वो तत्व विद्या में हमारी दृढ़ता हमें प्राप्त कर, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं निर्विकारी ब्रह्म हूं, मैं असंग चैतन्य स्वरूप हूं, यहां हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। उपाधि में कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं असंग हूं, शरीर में जितना भी हो सकता है मैं निर्विकारी हूं, शरीर में यह अवस्था देखो भगवान वही कर रहे हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये शरीर में कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, लेकिन देही की कोई अवस्था नहीं, शरीर विकारी है, देही निर्विकारी सत्य है। मन में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, आत्मा में कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तो आपको अपने आप को ये सबसे अलग करना पड़ेगा, और आपकी दृष्टि जो है मैं अकर्ता असंग निर्विकारी चैतन्य ब्रह्म हूं। और इसलिए कहते हैं एक बार इसमें अगर आपकी दृढ़ता हो गई है फिर आप कितना भी ये प्रारब्ध कर्म से आपको विनोद भी प्राप्त हो जाएगा लेकिन उनका कोई खलु उनमें क्या हो गया। अब देखो
बहुत प्रसिद्ध बात है, लोक प्रसिद्ध है ये कि हम सूर्यास्त को भी आनंद, सूर्यास्त से भी हम मनोरंजन कर सकते हैं, सूर्योदय में भी हम मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन मिथ्यात्व का ज्ञान है। उसी प्रकार से ये जगत, ये प्रारब्ध कर्म, ये उपाधि के प्रत्येक मिथ्यात्व का ज्ञान हमें दृढ़ करना है। एक बार मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया फिर कितना भी आप विनोद करते रहो। देखो इसलिए आगे मैं कह के गई आप कि प्रारब्ध की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो ज्ञानी और अज्ञानी में हमें समानता ही दिखती है। अज्ञानी लोग ऐसे मानते हैं तो हमारी तरह खा रहा, हमारी तरह भोग रहा, हमारी तरह रो रहा, हमारे उपाधि की दृष्टि तो समान ही दिखेगा। जो है वो कहां पर है, सत्य बुद्धि नहीं है, बाकी तो वही का वही रहेगा। आप समझ रहे, देश बदलना, स्थान नहीं बदलना, आपकी बुद्धि बदलनी है, आपकी सत्य बुद्धि की निवृत्ति करनी है। एक बार सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई फिर आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, ठीक ही है, कोई विरोध नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध कर्म और ब्रह्म विद्या का कोई विरोध है ही नहीं, दोनों का विषय ही अलग है। आप समझ लो कि प्रारब्ध कर्म जो है वो है और उसे ब्रह्म विद्या से कोई विरोध नहीं है, और ब्रह्म विद्या को भी प्रारब्ध से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों को विषय ही अलग है। आप समझ गए, इसलिए मैं कहती हूं कि अगर आप समझेंगे कि देश बदल के, स्थान बदल के, व्यक्ति बदल के, गुरु बदल के आपको ज्ञान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो आपके लिए महत्व का है वो शास्त्र श्रवण है, जो आपके लिए महत्व का है वो तत्व चिंतन है। शंकराचार्य जी कहते हैं किसी भी प्रकार से आप शास्त्र श्रवण करते रहो, शास्त्र में जो बताया है उसी प्रकार से, जिस प्रकार के शास्त्र हमें दर्शाते हैं उसी प्रकार से हम तत्व चिंतन करते रहे, वो महत्व का है। बाकी तो जो है वो सब प्रारब्ध है, प्रारब्ध से जो होता है उसे होने दो, उनका कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिमहिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।